दोस्तों, ट्रैक्टर किसानों के लिए वरदान है जो कम से कम समय में खेती के ज़्यादा से ज़्यादा काम को पूरा करने में सक्षम होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो ट्रैक्टर आप देखते हो उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा? शायद आप यह नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम ही बता देते हैं कि फैक्ट्री में ट्रैक्टर को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले इसके इंजन को बनाया जाता है। आजकल के ट्रैक्टरों में उच्च गति वाले हल्के इंजनों का प्रयोग अधिक हो रहा है, जिनमें 2 क्षैतिज सिलेंडर तथा 6 खड़े यानी ऊर्ध्वाधर सिलेंडर होते हैं। इसके बाद इस इंजन के मुख्य पुर्जे जो पहले से ही तैयार होते हैं, जैसे पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, बेयरिंग, वॉल्व आदि को इसमें फिट किया जाता है। सामान्यतः ट्रैक्टर में डीजल को जलाने के लिए कंप्रेशन आइजिनिशन इंजन का उपयोग होता है। इसके बाद इंजन के पुर्जों को ठंडा रखने के लिए इसमें कूलिंग सिस्टम को स्थापित किया जाता है। अब इस ट्रैक्टर के इंजन को कंट्रोल करने के लिए स्पीड चेंजिंग गियर, रेस, क्लच व हैंड ब्रेक आदि पुर्जों को स्थापित किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद ट्रैक्टर के चेसिस, जिसके अंतर्गत ट्रैक्टर का ढांचा, पहिए, स्टीयरिंग आदि को बनाकर संपूर्ण ट्रैक्टर को असेंबल किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इस ट्रैक्टर पर कलर, पॉलिशिंग आदि की जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद इसके इंजन की गुणवत्ता की जांच की जाती है। सब कुछ सही पाए जाने पर यह ट्रैक्टर अब बेचने के लिए बिल्कुल तैयार होता है।